डियर स्टूडेंट, माय प्यार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास भाग एक का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको हम देखेंगे, जो कि CGPSC परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास को 5 भागों में विभक्त किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के संपूर्ण प्राचीन इतिहास को कवर किया गया है। आइए देखते हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। छत्तीसगढ़ को लोचन प्रसाद पांडे जी ने मानव सभ्यता का जन्म स्थली कहा है। लोचन प्रसाद पांडे जी, उनका जन्म रायगढ़ में हुआ था और इसके आसपास के क्षेत्र में रायगढ़ हो गया, महानदी घाटी, इसके आसपास जो मानव सभ्यता थी पुराने ज़माने की, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था और इनका लेख काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ था, जिसका हम आगे के इतिहास में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चुंबनढाल पहाड़ियों के शिलाश्रयों में रेलवे इंजीनियर अमरनाथ दत्त ने सन 1910 में अनेक गुफाओं की खोज की थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुंबनढाल पहाड़ियों के शिलाश्रयों की खोज अमरनाथ दत्त ने 1910 में की थी। छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्राचीन गुफा है, सिंघनपुर गुफा, इसकी खोज 1910 में एंडरसन ने की थी। इंडिया पेंटिक सन 1918 में तथा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 13वें अंक में रायगढ़ के सिंघनपुर के शैल चित्रों का प्रकाशन हुआ था, जिसके कारण सिंघनपुर की जो गुफा है यह काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था और जो हमारे इतिहासकार थे उनका ध्यान आकर्षण हुआ और बाद में इसके आसपास क्षेत्र में भी इतिहासकारों द्वारा काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया गया। सिंघनपुर गुफा को चट्टानी आश्रम कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि इस गुफा में विश्व विख्यात शैलचित्र हैं और यहाँ की जो सबसे लंबी गुफा है बोतंदा आज भी रायगढ़ जिले में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक शैलचित्र रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। सिंघनपुर गुफा में जो चित्र अंकित हैं यह गहरे लाल रंग से बनाए गए हैं। सिंघनपुर शैलचित्र 30,000 वर्ष पुराने हैं और इन मूर्तियों की तुलना जो है मेक्सिकन एवं स्पेनिश शैली से की जाती है। चित्र में दिखाया गया है किस तरह से सिंघनपुर गुफा में शैलचित्रों का अंकन किया गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अब देखते हैं तो इतिहास को जो है मुख्यतः 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। इन 3 कालखंडों को हम चरणबद्ध रूप से विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें पहला आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का जो काल निर्धारण किया गया है वह 5,00,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जानते हैं कि वह काल जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है या इस समय का कोई लिखित प्रमाण हमको प्राप्त नहीं हुआ है, इसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, इसलिए इसको प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का शाब्दिक अर्थ होता है इतिहास के पूर्व का युग, मतलब जिसका उस समय, मतलब उस काल में किसी प्रकार का लिपि, किसी प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं हुआ था, सिर्फ पत्थरों पे चित्र अंकन किए जाते थे और जिसके साक्ष्य आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर गुफा में स्थित हैं। और इसी तारतम्य में हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को जो है वह 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला होता है पुरापाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में उस समय पत्थरों के औजार या पत्थरों पर अंकन किए जाते, इसीलिए इस काल को पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है और इन्हीं पाषाण काल को 3 भागों में भी विभक्त किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो है प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमाण हमको मिलते हैं, पुरापाषाण काल के प्रमाण हमको मिले हैं सिंघनपुर की गुफा से, जो कि वर्तमान में रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पे हस्तचलित कुदाल, गुफा चित्र, शैल चित्र आदि साक्ष्य हैं जो कि पुरापाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के हैं। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत हम देखते हैं कबरा पहाड़, रायगढ़ जिले में स्थित है यह भी,
और यहाँ की चित्रकारी में लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, कुंडाली, सांबर आदि के चित्र बने हुए हैं। इस काल के लंबे फलक वाले औजार अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से भी प्राप्त होते हैं। उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो मुख्यतः है वह धनपुर महानदी घाटी, रायगढ़ के आसपास का क्षेत्र और सिंघनपुर, यहाँ पे उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों में हम देखते हैं जो पहाड़ हैं या गुफा हैं वहाँ पर मानव आकृतियाँ का चित्रण किया गया है, औजारों की आकृतियाँ जो खुदी हुई हैं, ये सब साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। नौ पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से अर्जुनी दुर्ग, चितवा डोंगरी राजनांदगांव, टेरम रायगढ़, बोन टीला राजनांदगांव से प्राप्त हुए हैं। ये हमको याद रखना है क्योंकि कभी कभी कूट जो प्रश्न पूछे जाते हैं CGPSC एवं CG व्यापम में, वहाँ पे उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, इसकी कूट रचना के रूप में भी या फिर उचित संबंध जोड़ों के रूप में भी दिया जाता है। इसलिए ये जो स्थान है उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, नव पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं या फिर मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हैं, इन स्थानों को हमको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं और एक मुख्य चीज़ है पाषाण घेरे। पाषाण घेरे से तात्पर्य है कि पाषाण काल में मनुष्य की मृत्यु होने पर शव को दफनाकर उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों को गाड़ दिया जाता था ताकि जानवरों से शव की रक्षा की जा सके। यहाँ चित्र में दर्शाया गया इस तरह के पाषाण घेरे धनोरा, गढ़ धनोरा, कोन्ना गांव या करही भगर, चिरचारी, बालोद से हमको प्राप्त होते हैं। ये मोस्ट IMP है, ये कई बार CGPSC एवं व्यापम में पूछे गए हैं। पाषाण घेरे क्या है? पाषाण घेरे को समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि जो पाषाण काल था, जिस समय आदि मानव हमारे पृथ्वी पर निवास करते थे, उस समय क्या है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उस समय शायद शवों को जलाने की प्रथा नहीं होगी, तो इस समय लोग जो मृत व्यक्ति को जमीन के अंदर गाड़ देते थे, दफनाने के पश्चात उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों से घेरा बनाते थे जिसको पाषाण घेरे कहा जाता है। लगभग 500 पाषाण घेरे करही भदर में प्राप्त हुए हैं, जो कि मोस्ट IMP है। अभी तक का सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में जो 500 पाषाण घेरे हैं वो हमको करही भदर बालोद जिले से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास भाग दो, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के संदर्भ में कुछ विस्तृत से चर्चा करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इस अध्याय का आपको PDF लिंक भी प्राप्त होगा, जहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले कक्षाओं में हम CGPSC का संपूर्ण सिलेबस, CG व्यापम, मंडी निक्षक या फिर ACF एग्ज़ाम के लिए भी कोर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो सके।